तो यार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे इतनी गर्मी हो रही है, मतलब 30 डिग्री हो रहा है कोलचेस्टर में। लेकिन बाप रे, ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया जैसी गर्मी मैंने ना मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। कि मतलब दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, आपको पता होगा, जो भी दिल्ली से हैं उन लोगों को पता है कि मुंबई वगैरह से ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे बैंगलोर वगैरह में ना थोड़ा प्लीजेंट वेदर रहता है, बट दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना लंदन में सेम वेदर फील हो रहा है, मतलब लग भी नहीं रहा कि लंदन में हो या यूके में। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर दिल्ली में यह सेम फील आ रही है, मतलब हवा वगैरह चलती रहती है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गर्म गर्म गर्मी गर्मी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। संडे के दिन भी एजुकेशन कह रहा हूँ, स्टडीज़ बाई डेडिकेशन, देख रहे हो मेरा अलग लेवल का है, बाई डेडिकेशन नहीं है मेरा, रीसीट है। अबे नज़ारा है 7 बजे, 19 कितना होता है, 7 बजे ना। सो आज मैं बात करने वाला हूँ ना कि एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होते हैं यहाँ पे यूके में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग है और सबका पैटर्न भी अलग है मोस्ट ऑफ द। वैसे अभी तक मैंने जो सर्च किया है ना, मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि ज़्यादातर यहाँ पे स्टडीज़ आपको पता है कि रिसर्च बेस्ड होती है। जैसे कि मेरा ना एक ये है MA331 करके मॉड्यूल है, तो उसका देखो आप स्क्रीनशॉट देख लेना, 20% लैब टेस्ट था उसका, तो वो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में कैसा होता है कि आपको पोर्टल ओपन होता है और कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, सपोज़ करो 1 घंटे के लिए पोर्टल ओपन हुआ, ठीक है, तो वो ऑनलाइन सबमिट ही होगा। जो अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा आपको कुछ, मतलब अगर आपने टेस्ट मान लो 1 घंटे में 20 या 30 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कर लिए पहले, तो अगर आप 10 मिनट पहले सबमिट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप नहीं सबमिट करते तो बाय डिफॉल्ट वो सबमिट खुद से हो जाएगा। तो मतलब उस टाइप का होता है, क्योंकि आपने भी काफ़ी ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे यार, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये मेरा मॉड्यूल दूसरा है 335 का है, ठीक है, MA335 का, 20% लैब टेस्ट था ऑनलाइन, फिर एक क्लास टेस्ट हुआ था। क्लास टेस्ट में क्या करना था कि पेपर बेस्ड टेस्ट था उसमें, मतलब पेपर बेस्ड था या फिर कैसे था यार, मैं तो भूल ही गया, मतलब कैसे था यार, 30% का ये वाला स्क्रीनशॉट देख लेना, 30% का जो क्लास टेस्ट था ना वो भी शायद ऑनलाइन ही था, मतलब आर प्रो सॉफ्टवेयर पे था, तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर पे ही किया था, तो मतलब ठीक है मुझे याद आएगा, तो मैं टेक्स्ट में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या जीएसए भी होगा। तो इस टाइप से ही था, मतलब 30% का कभी कभी, और 50% का फाइनल प्रोजेक्ट था। फाइनल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप लोगों को, मतलब अगर डेटा सेट वगैरह दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो फिर आपको खुद से कैगल वगैरह पे या जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है, डेटा सेट जो भी रेपोजिटरी वगैरह है, वहां से डेटा बेस सर्च करके आपको खुद से प्रोजेक्ट करना होता है। तो मतलब गाइडलाइंस उन्होंने दी होती है कि क्या क्या आपको करना है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है। और फिर दूसरा मॉड्यूल मेरा है MA304 एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, तो इसमें डेटा सेट वगैरह दिया गया था मेरे को, आप देख सकते हो यार स्क्रीनशॉट, डेटा सेट वगैरह दिया था कि नहीं दिया था, हाँ तुमसे ना हो पाएगा। सो डेटा सेट वगैरह दिया हुआ जैसे इस मॉड्यूल में, और इसका ना ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, 30% या 40% ऐसा कुछ भी नहीं था, 100% जो था वो प्रोजेक्ट बेस ही था। तो इसमें ये इस टाइप के प्रोजेक्ट, मतलब इस टाइप के मॉड्यूल में इसको अच्छे लगता है कि मतलब 100% आपका कोर्स वर्क प्रोजेक्ट बेस होता है, उसमें आप पास भी हो, मतलब पास 99% स्टूडेंट उसमें पास ही हो जाते हैं, मतलब बाहर से भी करवाते हो तब भी पास हो जाते हैं, और खुद से करते हो तो वेल एंड गुड, पास तो पास के अच्छे नंबर भी आ जाते हैं खुद से करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल जैसे MA111 जो मेरा मैथमेटिक्स वाला था, तो इसमें क्या था ना, मेरे 2 असाइनमेंट हुए थे 5% के, या आई डोंट नो कितने परसेंट के थे, तो और इसमें ये पेपर बेस्ड था, तो इस पेपर बेस्ड में क्या होता ना कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ऑनलाइन, मतलब आपका जो भी पोर्टल होगा मूडल वगैरह या जो भी दे, चेक कर लेना अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बट मेरी यूनिवर्सिटी में मूडल पोर्टल है तो उस पर या फेजर पे अवेलेबल होता है,
टेस्ट वगैरह। तो जैसे ही पेपर आता है उसमें क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर्स वगैरह लिख के पेपर पे लिखना पड़ता है आंसर्स। प्लस उस पेपर को स्कैन करके, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन आती है ना काफ़ी सारी, पीडीएफ उसको बना के, अपने एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के वो उसमें पीडीएफ में सेव करना पड़ता है, और उस पीडीएफ को अपलोड करना पड़ता है फेजर पे या मूडल पे, जो भी आप गाइडलाइंस दी हुई है। तो ठीक है, इस तरीके से पेपर बेस्ड भी होता है। तो इट डजेंट मीन कि मतलब सारे मॉड्यूल्स ही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं, प्लस प्रोजेक्ट भी होते हैं, असाइनमेंट भी होती है, रिसर्च बेस्ड भी होता है। तो मतलब यहाँ पे रिसर्च बेस्ड तो है, डेफिनेटली है। और फिर एक MA 9199 था, इसमें मतलब इसमें भी दो टेस्ट टेस्ट क्या काइंड ऑफ गाइडलाइंस ही थी कि आपने कौन सा कोर्स किया है, आपकी स्टडीज बेस और मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। वैसे इसका क्रेडिट जीरो है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट, तो करना पड़ा था। जैसे इतना बेकार मॉड्यूल था, ना कुछ सीखने को मिला ना कुछ भी, बट हाँ फालतू में टाइम खोती कर लिया इसने। तो एक फिर नेक्स्ट मॉड्यूल था 336 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग विद एप्लीकेशन। तो इसमें क्या था, 20% का हमारा ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि पोर्टल ओपन हुआ था फॉर 1 आवर और 30 मिनट समथिंग। तो उस पीरियड में हमें 20 या 30 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो वो ऑनलाइन ही सबमिट करने थे। अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करते तो खुद से सबमिट हो जाता, तो उस टाइप का था। और फाइनल प्रोजेक्ट था हमारा 80% का, जिसमें कि डेटा सेट वगैरह उसने दिया नहीं था। तो अगर डेटा सेट वगैरह नहीं दिया होता तो मैंने पहले भी बताया, रिपोजिटरी बहुत सारी अवेलेबल है, ऑन फ्री ही अवेलेबल है। और अपनी यूनिवर्सिटी की साइट से अगर लॉगिन करते हो तो काफी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेस मिल जाता है, तो वो बेनिफिट होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ईमेल आईडी का। तो वहां से लॉगिन करोगे आप, उस मतलब साइन अप वगैरह करोगे किसी पोर्टल पे, तो आपको जो रिसर्च पेपर जो मतलब जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होते, वो आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं थ्रू दी यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस। तो फिर एक नेक्स्ट मॉड्यूल था MA 332 डेटाबेस एंड डेटा प्रोसेसिंग विद सीक्वल कमांड। तो इसमें भी हमारा कैसे हुआ था, ये 20% या 40% ऑनलाइन टेस्ट ही था। ऑनलाइन टेस्ट में मतलब हमको सीक्वल पे कुछ कोडिंग वगैरह या क्या बोलते हैं उसको, सीक्वल क्वेरीज वगैरह लगानी थी और चला के आउटपुट वगैरह सबमिट करना था। और फिर 40% का या 60% सॉरी 40% का था और एक 60% का। तो 60% का भी सेम पैटर्न ही फॉलो हुआ था उसमें, मतलब कोर्स वर्क ज्यादा हो गया था, क्या कोर्स वर्क क्या क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, मतलब बस थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था। और फिर पाइथन प्लस में सीक्वल ऐसे करके था, तो पाइथन या आर दोनों के बीच में मतलब कनेक्शन वगैरह करके मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना था, तो आप समझ जाओगे जब आप खुद से करोगे। तो 336 का मैंने बता दिया। 902 का रिसर्च मेथड का ऐसा था कि शॉर्ट रिपोर्ट हमें 5% की थी और फिर थी 95% की ऐसे रिपोर्ट। तो शॉर्ट रिपोर्ट के लिए सारा का सारा क्या बोलते हैं उसको, सारा कंटेंट वगैरह सब मिला हुआ था, बस हम लोगों को रिसर्च करना था खुद से। और रिसर्च में ऐसा होता है ना कि आप मतलब मल्टीपल पेपर या रिसर्च पेपर या फिर जितने भी अवेलेबल होते हैं ना ऑनलाइन साइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है, साइट करना पड़ता है। अगर साइट नहीं किया तो भी प्लेगरिज्म लग जाएगा या एकेडमिक ऑफेंस लग जाएगा, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी आप पेपर रीड करोगे उनको प्रॉपर साइटेशन करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को साइट समझ नहीं आ रहा होगा, बट होपफुली जब आप आओगे ना यहाँ पे तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे साइटेशन होती है, कैसे बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंसिंग कैसे करना है। तो मतलब मॉड्यूल में ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सारा कुछ पढ़ाया भी जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो और इनकेस अगर आप जैसे लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं कर पाते हो, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने दिन की क्लासेज होती है, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स कि आपका कोर्स कौन सा है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब मैंने एक ARU यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था, मैं उससे बात किया था, तो ही सेड कि उसकी यूनिवर्सिटी में तो क्लास ही नहीं होती है, सिर्फ वो ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर दो। तो एसिक्स में ऐसा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकता, बट हाँ टाइम टेबल बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस होती हैं वीकली। अगर मैं देखूँ मेरी तो देख खैर ज्यादा थी क्योंकि पता नहीं मे बी द कोर्स इस टाइप का उन्होंने प्रिपेयर किया हो इस वजह से ज्यादा क्लासेस थी या नहीं, बट 2 to 4 days एवरेज मैं बोलूँ तो थी। मतलब कभी 2 दिन भी क्लासेस थी, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, मतलब सैटरडे संडे तो नहीं होती, बट एक एक दो दिन ऐसा भी आया था कि पांचों दिन मतलब पूरी वीक में 5 days क्लास थी, प्लस में 6-7 hours की भी थी कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस क्या, 1 hour ब्रेक या हाफ आवर का ब्रेक करके फिर 7 hours की भी क्लास थी एक दिन, तो ऐसा भी हुआ था सीन। तो 902 का मैंने बता दिया, 5% का शॉर्ट रिपोर्ट था और 95% का ऐसे रिपोर्ट था जिसमें आपको रिसर्च करनी थी, बहुत सारे पेपर्स पढ़ने थे, किसी भी टॉपिक पे आप बना सकते थे, तो रिसर्च करके प्रॉपर साइटेशन वगैरह करके सबमिट करना था। और इसमें गाइडलाइंस वगैरह या आपको
टेम्पलेट वगैरह प्रोफेसर खुद से प्रोवाइड करते हैं, आपके मूडल वगैरह, मूडल या आपका जो भी पोर्टल होगा वहां पे आप चेक करोगे तो आपको खुद से मिल जाएगा वो सारी टेम्पलेट वगैरह, तो उसकी टेंशन नहीं होती। टेम्पलेट वगैरह यूज करना पड़ता है, और अगर नहीं यूज करोगे तो मेरे ख्याल से नंबर थोड़े से कम देगा वो, और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। फिर नेक्स्ट डिसर्टेशन देखो, इसका तो मेरे को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे सबसे टफ बोल लो या सबसे लेंथियर बोल लो या सबसे बोरिंग भी बोल सकते हो, मतलब 60 क्रेडिट्स सिर्फ और सिर्फ डिजर्टेशन के हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करते हैं, तो मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें आपको डिजर्टेशन करनी नहीं पड़ती। ऐसा मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा कैसे वर्क करता है, बट हाँ ऐसा भी होता है यहाँ पे कि इंटर्नशिप वगैरह आप कर लोगे इंडस्ट्री में जाके, तो आपको मतलब उस बेस पे आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। और अगर आप इंटर्नशिप वगैरह नहीं करते हो तो फिर आपको मतलब खुद से, जैसे 902 में बनाया था वैसे ही, पर अब जो है वर्ड लिमिट वगैरह बढ़ जाती है, तो आपको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारा सीन था। और कोई रह गया क्या मेरा मॉड्यूल? तो होपफुली कि ना मैंने काफी सारे मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बताया है। और देखो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे यूके में ऐसी रिसर्च बेस्ड स्टडी है ये तो मान लो, और ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, और मतलब इंडिया की तरह पैटर्न नहीं है कि आप वो रट्टा मार लो और फिर टेस्ट होगा, वैसा बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च बेस्ड ही है, हो सकता है तो ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे या प्रोजेक्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट, तो मतलब इन तीनों में से ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूके स्टडीज में फॉलो पैटर्न फॉलो होता है। तो होपफुली कि मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी कि ऑनलाइन टेस्ट या मतलब कैसे स्टडी है यूके की। और देखो स्टडीज़ की मैं बताऊँ ना कि हार्ड है या टफ है कि कैसी है, तो यार स्टडीज़ मतलब ना हार्ड है ना इजी है, मतलब एवरेज है। बट द थिंग इज़ कि आपको ना थोड़ी सी खुद से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मतलब 90% एफर्ट आपको खुद से करने पड़ेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं आती है तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इतने अगर हैवी हैवी कोर्स के लिए आ रहे हो ना आप डेटा साइंस वगैरह के लिए, तो थोड़ी सी ना प्रिपरेशन पहले से करके आओ। मतलब उसके वेबसाइट पर जाके कोर्स देख लो, आप कोर्स में मॉड्यूल्स वगैरह चेक करोगे ना, तो मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी कोर्स कर लो, जैसे मशीन लर्निंग का कोई कोर्स कर लिया अगर, और अगर मैंने काफी सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आई न्यूरॉन का, अगर आपको कोर्स वगैरह करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। इससे क्या है ना कि आपको बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएंगे, जब बेसिक क्लियर हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, फिर कहीं भी आप अटकोगे नहीं, जैसे कि फेल वगैरह नहीं होगे। तो होपफुली कि मैंने ना काफी सारी चीजें समझा दी है और आपको समझ भी आ गई होंगी। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं किसी ना किसी को, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली कि आपको पसंद आई होगी। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।